माइक टेस्ट ए बी बी वाई। किसी ने तुझे चिढ़ाया, किसी ने तेरा मजाक उड़ाया, वो लोग तुझे करते हैं हेट, तेरी कामयाबी को देख के हो जाएंगे इरिटेट। तू मत कर वेट, कर मेहनत, देख कैसे पलटेगी तेरी किस्मत। तू रुक मत, तू डर मत, आलस तू कर मत, फालतू में अक्कड़ मत, ऐसे चक्करों में पड़ मत, घमंड से तू अड़ मत, मेरी बातों से सड़ मत, मेहनत तू कर होगी तुझ पे उसकी रहमत। तू रुक मत, तू झुक मत, तू मुश्किलों से फूक मत, तुझे छोड़ के वो चली गई, दिल तोड़ के वो चली गई, किसी एनआरआई के घर पल जाएगी, तेरा नाम देख के जल जाएगी, कामयाबी की किताब में सोचेगी तुझे पाने का, रोज रात अपने ख्वाब में, मजाक उड़ाते थे वो लोग तेरा, वो मूर्ख न जाने रोग तेरा, देख वक्त तेरा कैसे बदला है, कामयाबी ही सबसे बड़ा बदला है, डे बाई डे यू डिड प्रोग्रेस, द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। कुछ लोगों को लगता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि तुमसे ना हो पाएगा, वो लोग तुझे लूजर समझते हैं, खुद को तुमसे ऊपर समझते हैं। कुछ दोस्त, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, कोई रिश्तेदार, मे बी पेरेंट्स, तुम्हारे क्लासमेट्स, तुम्हारे ऑफिस के लोग, फेसबुक फ्रेंड्स, इन सब का मुंह बंद करना है यार, प्रूव करना है कि ये सब गलत थे। इनकी सोच का दायरा जहां तक है, तुम्हारा गेम उससे काफी बड़ा है। अगर मैं जिंदगी में कभी किसी से सबसे ज्यादा मोटिवेट हुआ हूं तो वो उन लोगों की बातों से जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो लोग कहते थे कि तू बड़ी बड़ी बातें करता है, ये नहीं हो सकता, अरे ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, क्या मजाक कर रहा है। जब मैं बोलता था कि मैं 18 साल की उम्र में खुद के दम पे पैसे कमाने लगूंगा तो वो लोग कहते थे अबे क्या मजाक कर रहा है। जब मैं बोलता था कि मैं सिर्फ 12th पास होके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टॉक्स देने जाऊंगा, उन लोगों के सामने जो अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो लोग कहते थे अबे क्या मजाक कर रहा है। जब मैं कहता था कि मैं सिर्फ 8,000 रुपए में एक स्टार्टअप शुरू करूंगा जिसकी इवैल्यूएशन एक दिन में करोड़ में लेके जाऊंगा, तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि क्या मजाक कर रहा है। जब मैंने कहा था कि एक दिन मेरे YouTube चैनल पर भी 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, तो वो लोग कहते थे अबे क्या मजाक कर रहा है। लोग तब भी बोलते थे, लोग अब भी बोलते हैं और लोग हमेशा बोलते रहेंगे। लेकिन अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो यार कि कल को अगर वही लोग सामने शीशे के भी खड़े होकर बोले ना कि यार मैं अभी वायरल से ज्यादा अच्छा बन के दिखाऊंगा, तो सामने से शीशा भी पता है क्या बोलेगा, अबे क्या मजाक कर रहा है। तुम बोलो मुझे कि मैं ये नहीं कर सकता और मैं तुम्हें हर बार गलत साबित करके दिखाऊंगा। हमें रोकने का हक किसी को नहीं है यार, किसी को भी नहीं, हमें किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपने लिमिट्स को खुद डिफाइन करते हैं, हमें जिस काम में मजा आएगा हम वही करेंगे, किसी को कोई हक नहीं है कि हमें डीमोटिवेट करे, कुछ भी बोल के हमारा कॉन्फिडेंस कम करे, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस अनब्रेकेबल है, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन लोगों को ब्लेम करना आसान है जिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, पेरेंट्स को ब्लेम करना आसान है यार कि उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए कोई भी बिजनेस या फिर कोर्स करने के लिए, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ब्लेम करना आसान है कि वो आपको छोड़ के चली गई या फिर वो आपका टाइम वेस्ट करती थी, सोसाइटी को ब्लेम करना आसान है कि लोगों ने आपकी हिम्मत तोड़ दी, क्योंकि आजकल हर नाकामयाब इंसान यही तो कर रहा है ना। उन सबके पास रीजंस है, उन सबके पास एक्सक्यूजेस है, उन सबके पास बिना सिर पैर वाले लॉजिक्स है, बस रिजल्ट्स नहीं है। उन लोगों को ब्लेम करना आसान है जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमारा मजाक उड़ाया, हमें धोखा दिया, हमारे साथ गद्दारी की। लेकिन उन सब नेगेटिव लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्य, सबसे ज्यादा शॉक पता है कब लगेगा, जिस दिन वो आपको उस चीज में कामयाब होता हुआ देख लेंगे जिस काम को करने के लिए उन सब लोगों ने आपके ऊपर कभी डाउट किया था। वॉक हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर लैम्बोर्गिनी मेक द नॉइस, यू हैव ओनली वन चॉइस, गेट अप एंड रेज योर वॉइस। यार कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाए, जो सपने तुम्हारे दिमाग में पल रहे हैं उन पे बिलीव ना करे, तो परेशान मत होना क्योंकि उनकी सोच उस लेवल की नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान की सक्सेस का जन्म 2 बार होता है, एक बार उनकी सोच में, उनके दिमाग में, और दूसरी बार रियलिटी में। तो बस अपनी सोच को बड़ा रखो यार, मेरी बेस्ट विशेज आप सबके साथ है। मैं चाहता हूँ कि आपको दुनिया में हर वो चीज मिले, हर वो चीज जिसे आप डिजर्व करते हो। तो यार बस मेहनत करते रहो और पॉजिटिविटी से खुद को घेरे रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ दिस वॉज एबी वायरल साइनिंग ऑफ।